एक करेंसी बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है, ये नोट के फॉर्म में भी हो सकती है या कॉइन के फॉर्म में भी हो सकती है, जिसको एक्सचेंज करके आप अपनी ज़रूरत का सामान ले पाएँ। तो हम आजकल बार बार सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी एक टाइप की करेंसी है जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, पर ये होती है। मान लीजिए मैं कोई गेम खेलता हूँ, उस गेम के अंदर मैं कुछ मिशंस वगैरह पार करता हूँ, मुझे उसके बदले मिलता है कुछ रिवॉर्ड। तो उस कैश रिवॉर्ड को मैं उस गेम के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, उस गेम के बाहर जो मैंने कुछ भी किया उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो यही फंड है क्रिप्टो करेंसी का। तो आप इस क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ही यूज़ कर सकते हैं, आप रियलिटी के वर्ल्ड में से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई थी 2008 से 2009 के आसपास। तो यहाँ पर जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन। तो उस समय तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, अब कोई एक्सचेंज करने के लिए नहीं था क्रिप्टो करेंसी, पर अब आसान हो गया क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करना। तो अब यहाँ पे एक पूरा मार्केट बन चुका है क्रिप्टो करेंसी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मॉल में जाते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसके बदले में आपको मिलता है कुछ रिवॉर्ड्स या फिर कह सकते हैं कुछ टिकट्स या कूपन्स वगैरह। तो आप उन टिकट्स या कूपन्स को उस मॉल के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, उस मॉल के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूज़लेस है बिल्कुल वो। तो उस क्रिप्टो करेंसी की भी उस पूरी जगह में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में ही वैल्यू है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you.